अब बहुत वाजिब सवाल है जो इस वक्त विपक्ष के जो है जहन में यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं, उसी के शायरी के तौर पर जो है अखिलेश यादव इसीलिए कह रहे हैं, एस एन सिंह जी, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो सवाल उठेगा ना, जो जो कदम आज उठाया गया है याचिका वापस लेने का, बीते 4 महीने सब क्या कर रहे थे? पूजा जी देखिए, पहले तो लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत पर्व है, इसको आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध किया जा रहा है, खूब अच्छे तरीके से मनाइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और विकास में भागीदार बनिए। अब देखिए, आदरणीय ऋषिकेश जी ने बड़े अस्पष्टता से कहा और आपके रिपोर्टर ने दिखाया, जो बाबा गोरखनाथ जी से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमें एक याचिका दायर कर रखे थे, और आपके दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए कि जब याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उस समय कोर्ट के द्वारा एक इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को चला जाता है कि फला सीट पर हमें कुछ सूचनाओं का संग्रह चाहिए और ये विवाद है, इस तरह से वो ये संज्ञान में था, इस नाते वहां पे चुनाव नहीं हुआ। तीसरी बात मैं कहूंगा पूजा जी, क्या ये मान लिया जाए कि बाकी जो 9 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने वहां डिक्लेयर कर दिया, हालांकि ये चुनाव आयोग का विषय होता है, एक चुनाव आयोग के विशेषज्ञ को आपको बैठाना चाहिए, 2 राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, जैसा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा जंग की बात, नहीं जानती है क्या होता है, कई बार पिता प्यार करता है पुत्र से तो उसको लगता है कि नहीं पिता ने जंग हार गया, नहीं आपको आदत पड़ी हुई है, चाचा प्यार करता है, इस नाते आपको लगता है कि आप जंग जीत गए। चुनाव आयोग एक विधिक संस्था है, उसने विधिक चीजों को देखा, उसको लगा कि नहीं अभी हम नहीं करा सकते, इस नाते नहीं किया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आदरणीय अखिलेश जी, 9 सीटों में आपका कितना? कुछ नहीं, क्योंकि जनता ने देखा। आप पीडीए की बात करते थे, अयोध्या में पी था, महिला भी थी और पिछड़ी भी थी, लेकिन आप तो अल्पसंख्यक के साथ चले गए। कन्नौज में भी यही हालत हुआ और कल बहराइच में आप देखेंगे वहां पे भी, मतलब मेरा वाला अपराधी हो, मेरा वाला गुनाहगार हो, मेरा वाला गलत भोजन करा दे। सवाल तो एसएन सिंह जी ये है ना कि लग ऐसा रहा है कि आपके भी संज्ञान में नहीं था क्या ये? तैयारियां तो आपकी तरफ से भी मिल्कीपुर के लिए खूब चल रही थी, कई दौरे वहां पर मुख्यमंत्री ने कर लिए, उद्घाटन घोषणा सब चल रही थी वहां के लिए। पूजा जी कितनी शानदार रिपोर्टिंग आप करती हैं, ये चैनल पर ही दिख रहा है। पूजा जी आपने ही दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी करनी चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी हर चीज की माइक्रो मैनेजमेंट करती है। और देखिए, जिस हरियाणा में सभी लोग दिखा रहे थे कि परिणाम सार्थक नहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा, वहां भी सार्थक और सुंदर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। और मैं तो कहूंगा कि क्या अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अगुआ बने हैं वो कांग्रेस से बदला ले रहे हैं? क्योंकि जब आंसू पोछने का समय है, रहीमान विपदा हो बली, तो आंसू पोछने के बजाय वो अपने सीटों का डिक्लेयर कर दिए। भाई कांग्रेस के साथ अगर आप एलाइज हैं तो उससे मिलजुल के सीट का डिक्लेयर करना चाहिए, 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, 6 पे आपने सब पर बोलेंगे, हरियाणा पर बोलेंगे, महाराष्ट्र में बोलेंगे, झारखंड पे बोलेंगे, बाकी 9 सीटों पे बोलेंगे, मिल्कीपुर पे नहीं बोलेंगे। एसएन सिंह जी आज इसी रणनीति के साथ आए ना। पूजा जी मिल्कीपुर पे कौन नहीं बोल रहा है, हम तो धन्यवाद करते हैं विपक्ष का, जिस अयोध्या का नाम लेने से जानते हैं सरकारें गिर जाती थी, सरकारें हिल जाती थी, आज बार बार मिल्कीपुर और अयोध्या का नाम आ रहा है, ये गर्व का विषय, हर्ष का विषय, हमारे लिए तो फख्र का विषय, हमने तो 3-3 सरकारें कुर्बान की है। स्वर्गीय आदरणीय कल्याण सिंह साहब जेल में रहे उसी अयोध्या को लेकर, हमारे लिए अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, हमारा आदर्श, हमारे श्रद्धा का केंद्र, प्रतिष्ठा का तो विषय है ना, प्रतिष्ठा का तो विषय है, लोकसभा चुनाव में वही सीट हारे ना आप। देखिए प्रसाद संसद भवन में लोकसभा में पहली सीट पर बैठे जब अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, हर इवेंट में वो दिखाए जाते हैं, प्रतिष्ठा का सवाल तो है ना आपके लिए। पूजा जी जहां आपके घर की कि कोई सामग्री होती है ना, वहां आप प्रतिष्ठा बना सकती हैं, जैसे अखिलेश यादव जी बनाते हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं इसलिए मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं, जहां जनता की बात आती है ना वहां जनता प्रतिष्ठा देती है, और ये देखा जा रहा है कि तीसरी बार पूरे लेकिन भारत ये मामला पहले सुलटाया जा सकता था ना, जिसकी याद आज आई है बाबा गोरखनाथ को, पिछले 4 महीने से 13 जून को इस्तीफा दे दिया था अवधेश प्रसाद ने, सवाल तो ये है। पूजा जी मैं इसलिए आपको कहा कि हो सकता है कि आपसे कोई भूल चूक हो गई हो, चुनाव आयोग के पूर्व रिटायर या वर्तमान में किसी पदाधिकारी को आपको बैठाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग नहीं है। चौथी बात मैं कहूंगा कि आपका चुनाव आयोग का थोड़ा विषय तो यहाँ पर आपका है ना, आपकी सरकार का है, आपका जिम्मेदार, आपका जिम्मेदार, बाबा गोरखनाथ का मामला है ना ये,
उन्होंने पिटीशन दायर की है ना, आप ही की पार्टी के नेता हैं। पूजा जी 10 सेकंड दीजिए ना, मैं अपनी बात को कह दूं। आपका ही जिम्मेदार चैनल का, आपके ही रिपोर्टर ने पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं पूछा। जब बाबा गोरखनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ हम याचिका दायर किए हुए, हाँ वो विवाद चल रहा है, अब हम याचिका वापस ले लेंगे। अगर चुनाव आयोग से आप याचिका वापस नहीं लिए तो चुनाव आयोग कैसे करा सकता है? मैं तो चुनौती देते हुए कहता हूं कि 9 सीटों के पूछिए ना, हम तो कह रहे हैं कि 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। जानती हैं क्यों? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इन सीटों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस नाते प्रदेश की जनता विकास के साथ, आप ही की बात कर देती हूं, विश्वास के साथ, यानी 9 सीटों पर आज आप मजबूत हैं और ये मानते हैं कि मिल्कीपुर पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। पूजा जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से आपको ये बात कहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है हम कमजोर हैं तो हम साधुवाद देते हैं कि आपने हमें बता दिया, हम तो तैयारी कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना, अखिलेश यादव की शायरी पर आप ही कह रहे हैं ना कि उन्हें लग रहा है कि बाकी 9 पे हम मजबूत हैं। नहीं पूजा जी, अखिलेश यादव को लग रहा है, अखिलेश यादव ने मान लिया, स्वतः ही मान लिया कि 9 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद आजम साहब, जहां जहां उनको लग रहा था कि हार जाएंगे वहां डिक्लेयर नहीं किए, 2 राज्य तो जीत गए, ऐसा वो मान लिए। लेकिन मैं जरूर कहूंगा हम लोग जंग टाली है भाई, जंग ही टाली है, विश्वास।